नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पलपल न्यूज। रानिया क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। रानिया में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश, एक बड़ा गिरोह पकड़े जाने की संभावना है। कई लड़कियां भी हैं इसमें शामिल, पुलिस कर रही है जांच। ये लोग करते हैं फोन कॉल और फंसते हैं ऐसे अपने जाल में, पैसे ऐंठे जाते हैं और फिर किया जाता है राजीनामा। इसी बीच में होता है सब गोलमाल। अब देख रहे हैं रानिया पलपल से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। जी हाँ, लड़कों को ब्लैकमेल करने वाला पंजाब का गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। नवयुवकों को फंसाने वाले खुद धरे गए। मोटा पैसा ऐंठने वालों में कई लड़कियां व व्यक्ति भी शामिल हैं। पंजाब के कुछ लोगों का गिरोह है जो अनजान युवकों और लड़कियों से फोन करवा करके मोटी राशि ऐंठने वाले गिरोह का आज पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रानिया के एक प्रतिष्ठान पर चार लोगों को मांगी गई राशि देने के लिए बुलाकर उन्हें पुलिस को पकड़वा दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रानिया में मनजीत सिंह युवक के पास कुछ दिन पहले एक अनजान लड़की का पंजाब से फोन आया। इस लड़की ने अपना नाम सिमरनदीप बताया। उसे लगातार कई दिनों तक लुभावनी बातें करते हुए पूरा जाल बना लिया। लड़की ने मनजीत के साथ कई दिनों तक लुभावनी बातें की और बातों के ही जाल में फंसा लिया। लड़की मनजीत को बार बार बठिंडा आने के लिए कहती रही, लेकिन मनजीत तैयार नहीं हुआ। मनजीत के अनुसार बार बार बुलाने पर उसकी बातों में न फंसता देख करके उसने अपने चाचा को बताने की धमकी दे डाली। इसी बीच मनजीत ने अपने परिजनों के डर से किसी को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी न बता करके अपने चाचा को बताई। उन्होंने रानिया के गणमान्य लोगों से बातचीत की। सभी लोगों ने मिलकर के यह मामला जिला पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर के समक्ष रखा। पुलिस अधीक्षक ने उक्त लोगों के साथ मिलकर के टीम का गठन किया और उन्हीं लोगों के प्रतिष्ठान के आसपास तैनात कर दिया। पंजाब से आने वाले ये चारों लोग जैसे ही लेन देन करने के लिए लगे, पुलिस पार्टी ने मौका पर धर लिया। मंजीत ने बताया कि बराड खान, गौरव वर्मा चंडीगढ़ व शंकर जॉन व मनजीत से फोन आते थे, जो कि बार बार बठिंडा बुलाने के लिए कहते थे। उक्त लोगों के जाल में न फंसकर मनजीत ने पुलिस की मदद से पंजाब के इस गिरोह को पकड़वाने में कामयाबी हासिल की है। वहीं थाना प्रभारी इस बारे में कहते हैं कि चार लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक जांच का विषय है और आगे जांच चलती रहेगी। आप देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।